हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हीरो एक्सपल्स के बारे में, जो 200 सीसी में बाइक अभी हीरो वालों ने लॉन्च करने की बात कही है। तो इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को झटका लगने वाला है। उसमें से सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन जो बाइक है, उसके साथ उस बाइक की टक्कर होने वाली है। हीरो कंपनी दो नए मॉडल निकालने जा रही है, हीरो एक्सपल्स 200 और एक 200T। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हीरो 200 और 200T में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बाइक्स की लुक्स देख के आप लोगों को पता ही चल गया कि एक बाइक एडवेंचर टाइप की लग रही है और दूसरी जो बाइक है 200T वो बाइक थोड़ा सा फ्रेंडली और फैमिली यूजर्स के लिए बाइक है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जो आप लोगों को इस ग्राफ में दिख रहा है, तो ये एक तरफ 200 है और एक तरफ 200T है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत सारे हैं। बाइक के फीचर्स और बाइक की जो लुक्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसमें आप लोग जो फोटो बीच में चल रहे हैं उसमें आप बाइक को देख ही रहे हो, बट मैं इसकी जो फीचर्स हैं बाइक के वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दोनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देख रहे हो सबसे ऊपर हेडिंग मैंने बना रखी है हीरो एक्सपल्स 200 और एक हीरो एक्सपल्स टी। तो मेन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हीरो एक्स 200 के बारे में। इसके साथ जो बाइक जो कंपेयर में जो बाइक है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है वो रॉयल इनफील्ड की हिमालय बाइक है। उसका जस्ट लाइक एक फेस कह लो आप, या फिर एक मॉडिफिकेशन जिस टाइप से उसको बाइक को दी गई है, तो वो बिल्कुल आपकी हिमालयन जैसी बाइक लग रही है। दूसरा एक्सपल्स 200T के जो कंपटीटर हैं उसको बजाज पल्सर 220 सीसी में और अपाचे 200 सीसी में है, तो उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है इस बाइक को। और बाइक का जो मरगार्ड है 200 सीसी की जो एडवेंचर बाइक है उसमें मरगार्ड फ्रंट साइड में काफी लंबा दिया गया है, जिससे उसकी लुक काफी अच्छी आ रही है। और जो दूसरी 200T बाइक है उसका एक सिंपल, जो आप लोग रोड पे बहुत सारी बाइकें देखते हो, सिंपल वैसे मुड़गार दिया गया है। और दोनों में बहुत सारे डिफरेंस यहीं से पता चलते हैं कि एक बाइक एडवेंचर, तो उसके अंदर टायर भी एक ऑफ रोडिंग टायर होंगे, और जो दूसरी बाइक है उसमें एक रोड बेसिक टायर है, स्पोक्ड व्हील है, और दूसरी तरफ एलो व्हील है, जो नॉर्मली हमें आजकल मार्केटों में बाइकों में देखने को मिलता है। और सबसे मेन चीज जो बाइक में होती है एक एडवेंचर बाइक में, कि उसकी हाइट। तो हाइट, इसका हाइट में हीरो ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, जिसके एलो व्हील 21 इंच के जो फ्रंट का एलो व्हील है और 18 इंच जो पिछला व्हील है उसको इस टाइप से बिल्ड करा है कि वो एडवेंचर बाइक निकले मार्केट में अच्छी तरह से। और एक नॉर्मली जो बाइक है 200T उसमें 17 इंच के एलो व्हील है, सेम फ्रंट और बैक एग्जॉस्ट आप देख रहे हो। तो एग्जॉस्ट में जो बाइक में जो एडवेंचर बाइक होती है, जो पैनियर जो हमारी बाइक में लगेंगे उस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। और जो दूसरी 200T बाइक है उसमें नॉर्मल जो बेसिक एग्जॉस्ट लगता है सिंपल बाइक्स में, तो वो वैसा उसमें लगा हुआ है। और जो एक तरफ एडवेंचर बाइक है उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जस्ट लाइक एक हैंड मरगार्ड होता है वो भी उसमें है, और 200T में ये सब चीजें नहीं है। अब कलर की बात करते हैं, तो कलर जो बाइक में आने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही बढ़िया आने वाले हैं, मैट ब्लैक एंड व्हाइट पेंट के साथ ग्राफिक्स भी आने वाला है। और डिफरेंट रहेगा हमारी 200T में, उसमें रेड कलर आएगा ग्लोसी और ब्लैक आएगा एक मिनिमल ग्राफिक्स में। और बाइक की ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छी खासी होने वाली है, और विंड स्क्रीन भी बाइक में है, जैसे कि आप लोगों को रॉयल इनफील्ड में देखने को मिलता है वैसे ही सेम विंड स्क्रीन इसमें लगाया गया है, जो कि हवा को रोकेगा। और दूसरी बाइक में ये सब चीजें नहीं है, उसमें सब चीज नॉर्मल है, प्लास्टिक इंजन कवर है, और इसमें आप एक ऑफ रोडिंग जिसको इंजन कवर जिसको हम बोलते हैं वो इसमें आप लोगों को मिलेगा। और इसके प्राइस तो कमाल कर दिया हीरो ने, इसका प्राइस जो पड़ेगा आपको एक्सपल्स का तो 1,20,000 के आसपास आपको बाइक पड़ेगी, और इससे 10,000 कम में आपको जो 200T है वो बाइक मिलेगी। तो ये काफी मेजर चेंज है हीरो की तरफ से, क्योंकि जो कंपटीटर है उसके जो प्राइस है वो काफी हैवी है, काफी हाई रेंज है, और ये सब चीजें इसमें डाली हैं, तो बाइक तो मार्केट में आने के बाद जो धमाल करने वाली है ना, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा सब। इस रेंज में, और इससे आप 50,000 ऊपर भी चले जाओगे, तो इस रेंज में आपको ऐसी कोई भी बाइक नहीं मिलेगी। आई थिंक 2 लाख तक भी आपको ऐसी कोई बाइक नहीं मिलेगी जिसमें ऐसे फीचर्स हो। तो ये सबसे मेन फैक्ट है हीरो का, जो कि 1,20,000 में इन लोगों ने कर दिखाया। सबसे पहला मेन फीचर तो इस बाइक के अंदर यही है कि इसका जो विंड स्क्रीन है वो हमें, जैसे कि मेरे पास डोमिनार तो मेरे को अलग से डलवाना पड़ता था, और 1,20,000 की जो एडवेंचर बाइक इन लोगों ने निकाली है तो उसके अंदर इन बिल्ड है
कंपनी ही इस चीज को लगा के दे रही है। दूसरा सबसे मेन फैक्ट कि इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ सिस्टम होने वाला है, जिससे कि हम अपना हेलमेट राइड करते टाइम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कॉलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा इस रेंज में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज इस बाइक की यही रहने वाली है। और तीसरा है कि गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों ने गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन इस बाइक में दिया है, जबकि बाइक सिर्फ 5 गियरों की है। चौथा कि फ्यूल रेंज, कि हमारी बाइक कितने किलोमीटर रोड चलने वाली है। पांचवा, बाइक के अंदर टाइम दिया गया है कि कितने घंटे हम बाइक राइड करी है, टाइम दिखेगा। और स्पीडोमीटर बिल्कुल मैं कहूंगा कि यमा की कॉपी करा गया। और ये सब मिला के हमारी बाइक बनती है हीरो एक्सपल्स 200। तो काफी अच्छी बाइक मार्केट में निकाल रहे हैं, प्राइस काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। एंड हीरो की तरफ से अभी लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि बाइक अप्रैल में लॉन्च होने वाली है। बाकी देखते हैं कि बजाज डोमिनार 400 की तरह कभी हमारा अप्रैल फुल ना बना दे, कि फिर से लॉन्चिंग डेट चेंज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक करें। बाय।